चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो आई नो कि बहुत ज़्यादा लेट वीडियो आ रहा है, बिकॉज दो तीन दिन मैंने वीडियोज अपलोड नहीं किए हैं, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम था मुझका है। सो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। सो ये वीडियो होने वाला है मेकअप ट्यूटोरियल, और वो होगा हुडा ब्यूटी न्यू हुडा ब्यूटी आई शेडो पैलेट मेकअप ट्यूटोरियल। मीन्स उसमें आई शेडो मुझे शेयर करना है आपको मेनली, तो बिकॉज वो पैलेट के मैं आई शेडो आपको करके दिखाऊंगी। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आई शेडो बिल्कुल भी करना नहीं आता है, नॉर्मल सा अगर सिंगल लगाना रहेगा दैट्स इट। बट मैंने सोचा, मैंने किसी का भी देखा नहीं अभी तक, और मैं अपने मन से ही करूंगी जो भी मुझे आएगा, मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूंगी। एंड तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गो। सो गाइज, आप देख सकते हो मैं सिंपल ही देख रही थी इंट्रो में भी एंड अभी भी, बिकॉज मैंने कोई मेकअप नहीं किया, नो कुछ भी नहीं है फेस पे। अभी बस वॉश करके आई हूँ। मेकअप करती हूँ ना, तो मैं ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फेस वॉश करना है, एंड देन अगर आप कौन सा मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो, सीरम वगैरह जो भी आप यूज करते हो लगा लो। यस, तो गाइज मैंने अभी मॉइस्चराइजर लगा दिया है। एंड अभी बस मॉइस्चराइजर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जो मेकअप है वो स्किन के अंदर नहीं जाएगा एंड आपकी स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे। सो मैं आपको थोड़ा सा ना आपको मैं जूम करके दिखा दूंगी कैमरे में। गाइस, मैं आपको बता दी थी मेरा मेकअप दो पार्ट में अभी डिवाइड हो चुका है। जैसे कि एक बैग है ये जो मैंने आपको शेयर किया था अपने हॉल में, बैग्स हॉल में, बट ये गाइस ऑलमोस्ट पूरा भर गया है। सो इसमें कोई मेरे बड़े वाले मेकअप जो मैंने अभी ऑर्डर किया था, आपने हॉल देखा ही रहेगा, प्रीवियस वीडियो ही है, वो आधे बहुत मैंने इसमें भी डाले हैं, थोड़े बहुत इसमें भी, इसमें तो पूरा भरा हुआ है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैं लगाने वाली हूँ ये कंसीलर स्विस ब्यूटी का। वैसे मेरे पास हुडा ब्यूटी का भी कंसीलर है, जो मेरे ये हुडा ब्यूटी यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉम्पैक्ट प्लस कंसीलर भी है इसके अंदर भी। सो लेट्स सी, मैं दो सो ये रहा मेरा स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। सो अभी हम लगाते हैं। एंड मेन थिंग मुझे मिरर चाहिए था, बट मिरर और फ्रेंड्स आई शेडो ब्रशेज मुझे मंगवाने, अभी मेकअप ब्रशेज मेरे पास है नहीं। सो अब मैं फटाफट से मेकअप लगा देती हूँ। सो ये रही मेरी हुडा ब्यूटी की पैलेट, इसमें बहुत बड़ा मिरर है, सो इससे क्या है ना मुझे प्रॉब्लम नहीं रहेगी और मैं अच्छे से देख पाऊंगी। सो मैं फर्स्टली ये आई पे लगाऊंगी। ओके, गाइस कंसीलर हम लोग डार्क सर्कल्स हाइड करने के लिए लगाते हैं, बट मुझे ना इतने डार्क सर्कल्स नहीं है गाइस, तो दैट्स व्हाई, बट तो भी मैं लगा रही हूँ। एंड देन मैं लूंगी यहाँ पे एक एप्लीकेटर जिससे मैं अप्लाई करूँगी। बस ब्रशेज नहीं है गाइज, मुझे ब्रशेज ऑर्डर करने थे, बट सारे मेकअप में से मेरे ब्रशेज जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए, बस कार्ट में ही रहेगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ एंड आप देख सकते कितना कवरेज दे रहा है, प्लीज लेट मी नो। ये ना मैंने अपने शेड से हल्का सा ना लाइट मंगवाया दिया, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, बट बाकी ये है बहुत अच्छा, बट मुझे चलेगा बिकॉज मेरे डार्क सर्कल्स वैसे भी नहीं है। एंड गाइज, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा हाई कवरेज देता है ये, इस और इस आई में कितना ज्यादा फर्क आ गया ना, ये आईज थोड़ी सी अजीब नहीं लग रही है ना। ओके, सो मैंने यहाँ पे लगा दिया है अपना कंसीलर। सो हम लोग ऐसे ही इस पे भी लगा देते हैं। सो गाइज, मैंने यहाँ पे दोनों आईज पे यहाँ पे कंसीलर लगा दिया है। सो अभी हम लोग ना थोड़ा सा लूज पाउडर लगा देते हैं ओनली आईज एरिया पे, बाद में हम लोग फेस मेकअप करेंगे। लूज पाउडर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीलर लगाते टाइम। वैसे फ्रंट कैमरा ऑन है तो मुझे अच्छे से दिख भी रहा है, लूज पाउडर तो मैं लगा ही दूंगी। माय गॉड, मेरे आईज में चला गया। वैसे फर्स्ट टाइम मैं मेकअप कर रही हूँ, मतलब मुझे ज्यादा मेकअप नहीं आता है बस। यस, सो गाइज अभी मेरा लूज पाउडर लगा के हो चुका है आईज एरिया में। सो अभी हम लोग करने वाले फाइनली आईशैडो। आईशैडो के लिए मैं अपना हाथ का यूज करूंगी, बिकॉज वो जो मेरा ब्रश है ना वो बहुत बेकार है, तो मुझे ब्रशेज ऑर्डर करने हैं, बिकॉज मैंने मेकअप सारा ऑर्डर कर दिया बट ब्रश करना भूल गई। सो मैं आईशैडो पैलेट, ये रही मेरी आईशैडो पैलेट। सो अभी हम लोग लगा देते हैं। सो फर्स्ट मैं लगाऊंगी ये वाला शेड, ये जो है ये वाला, सो ये बेयर वाला। सो ये वाला मैं लगाऊंगी यहाँ पे एकदम ऊपर के एरिया में, हाथ से ही कर रही हूँ गाइस, बिकॉज मुझे हाथ से ज्यादा इजी हो रहा है, बिकॉज मेरा ब्रश बहुत गंदा है। एंड मैंने यहाँ पे हल्का हल्का से लगा दिया है, तो गाइस यहाँ पे मैंने लगा दिया वो बेयर वाला शेड। देन उसके बाद हम लोग लेंगे, सो गाइस उसके बाद हम लोग लेंगे ये वाला शेड टिकल वाला।
जो बहुत अच्छा है ना, ये उसके जैसे पीनट पिंक टाइप ऑफ कलर है। सो अभी हम लोग इधर यहाँ पे इसको ना यहाँ पे लगाएंगे। सो गाइज मैंने ये लाइट पिंक शेड लगा दिया है, कैमरे में बिल्कुल भी इतना नहीं दिख रहा बट रियलिटी में बहुत ज़्यादा लग गया, मतलब नॉर्मली लग गया है। सो अभी हम लोग लगाने वाले हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड में, यहाँ पे जहाँ पे मैंने वो बेयर वाला लगाया था वहाँ पे मैं लगाऊंगी टीज वाला शेड, ये वाला जो काइंड ऑफ पर्पल टाइप में है, कुछ तो पिंक डार्क पिंक है। सो मैं ये यहाँ पे लगाना चाहूंगी बिकॉज ये बहुत अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट टोन, यहाँ पे डार्क, मतलब ऐसा कुछ अलग अलग सा हो गया है जो मुझे आता है जितना। गाइस प्लीज ये मेरा फर्स्ट मेकअप लुक है जो मैं थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ बिकॉज मुझे आना ही आता है मेकअप करना इतना। तो गाइस अभी हम लोग का इधर लग गया इतना सा, तो अभी हम लोग ना ये वाला शेड लेंगे, ये वाला पैंट वाला शेड लेंगे और ये एकदम ऊपर लगाएंगे ताकि थोड़ा सा लाइट डार्क लाइट दिखे, थोड़ा सा अलग यूनिक लगे, वरना तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। वाओ गाइस सच्ची में पहली बार मैंने ऐसा मेकअप किया है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। एंड अभी हम लोग ना थोड़ा सा ना कंसीलर लेंगे, तो कंसीलर को लेके मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ कंसीलर वही फिज ब्यूटी वाला, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे लगा देती हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इतना कंसीलर लगाया है बिकॉज मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस अब मैं लूंगी ये ग्लिटर शेड गोल्डन वाला और फिर यहाँ पे लगाऊंगी, डोंट नो कैसा लुक देगा। सो गाइस अब मैंने ग्लिटर वाले शेडो भी लगा दिए है, फर्स्ट टाइम मैंने इतना यूनिक मेकअप लुक किया है, आई शेडो लुक किया है, तो आपको ना बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लाइक ओनली पिंक पिंक सा लग रहा होगा बट रियलिटी में इट्स लुकिंग अमेजिंग। तो आपको फोटोज मतलब लास्ट में मैं आपको कुछ ब्यूटी शॉट्स बता दूंगी। तो अभी हमारा हो चुका है ये वाला आई शेडो, सब लोग हम लोग ऐसा का ऐसा यहाँ पे भी कर देते हैं। सो गाइस फाइनली मेरे दोनों आई शेडोज हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स यही है मेरा आई शेडो लुक। सो मैं आपको पूरा फेस मेकअप करके दिखाती हूँ, आपको लास्ट तक ना बस वेट करना, मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगी कि मैंने थोड़ा सा तो अलग किया है। तो अब मैं आपको फटाफट से फेस मेकअप करने के बाद मिलती हूँ। सो गाइज ये है मेरा मेकअप लुक फाइनली। सो ऐसा कुछ मैंने मेकअप लुक किया, मैंने हाईलाइटर भी लगाया है मार्स वाला जो मैंने अभी परचेज किया था एंड बहुत अच्छी पिगमेंटेशन देता है आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दूंगी कुछ ब्यूटी शॉट्स, उसमें आपको अच्छे से मेरा आई शेडो दिख जाएगा, मेरा मेकअप भी दिख जाएगा। सो नाउ लेट्स सी आवर ब्यूटी शॉट्स। मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। मुस्कुराना भी तुझसे सीखा है दिल लगाने का। गाइज यही मेरा कुछ मेकअप लुक, आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। ये ना आपको रोज रेगुलर नहीं कर सकती बिकॉज ये बहुत ज्यादा हैवी मेकअप लुक है, मैं कभी भी इतना मेकअप नहीं करती, फर्स्ट टाइम आई डिड दिस टाइप ऑफ मेकअप। तो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड गाइज नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।